are examining the pulse, ये the arm should be semi-prone position, right? And then इसको आप थोड़ा सा flex करेंगे और watch should be on your left hand. तो with three fingers you will feel the pulse like this. Count for the rate 15 seconds and then you can multiply with the 4. Probably आपको अगर सिर्फ कहा जाए कि examine his pulse तो इसका मतलब है you have to complete the movement. Then you can take some short cuts. But generally ये देखो, ये semitone, flex और left hand wrist के ऊपर watch and then you can with three fingers wait. Now obviously I am looking for rhythm. Is regularly regular? Is it irregularly irregular? Or is it a regularly irregular? And then I am thinking volume. Is it normal? Is it a hypovolume? Is it a low volume? Low volume, high volume. इसके बाद then आप hold the pulse like this. ये जो आपकी pulse है, that should be in your ये metacarpolingual joint के लिए. यहाँ पे अब मैं feel कर रहा हूँ इसके लिए. Or especially when the pulse is high volume, because I am now on to check the selecting direction of the pulse. Or ask the patient to see after directly, or you can just, and then you have to ask, and then you have to wait for some time. What will happen? The pulse has continues the volume increase, and the pulse has, lekin ultimately the volume of the pulse will be increased. So, this is after the collapsing test. इसके बाद आपने अगर ब्रेकियल देखे हैं, ब्रेकियल तो ब्रेकियल के लिए ये जो मीडियल साइड है यहाँ, यहाँ पर आपने थंब के साथ जो है होल लाइफ के ब्रेकियल और कैरोटिड आपने चेक करनी है. तो राइट कैरोटिड जो है इसके लिए आपने ऑपोजिट थंब यूज करना है. ये थायराइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है. इसके आप जस्ट लेटरल टू दैट विद अ थंब. ये राइट के लिए आई एम यूजिंग अ लेफ्ट थंब. और रिमेंबर जो करेक्टर ऑफ द पल्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम द कोलैप्सिंग पल्स दे आर बेस्ट अप्रिशिएटेड हियर क्योंकि इट्स नियर टू द हार्ट. अगर आपकी स्लो राइजिंग पल्स है या पल्सेज ऑल्टरनेंस है या पल्सेज और आपने देखनी है डेफिसिट वगैरह तो प्रॉब्ली दैट इज द बेस्ट साइड टू बी सी. तो आपने ऑपोजिट थंब यूज कर रहे हैं. इसके बाद आपने रेडियो रेडियल डिले रेडियो रेडियल डिले के लिए होल्ड दी पल्सेस बोथ लाइक दिस और ऑब्वियसली देखें कि ये इक्वल हैं या अनइक्वल हैं. आई हैव टोल्ड यू द कॉजेज ऑफ अनइक्वल पल्सेस के कॉजेज. यहाँ पे अगर फर्स्ट करें सब क्लीवेज जो है वो आर्टिस्टिनोसिस है, यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर कोई ब्लॉक आ गया है और यहाँ सर्वाइकल रिब है तो दैट कैन कॉज कंप्रेशन टू द वैस्कुलर सिस्टम ओवर द साइड यू नो. और डिसेक्शन ऑफ एओर्टा हो जाए तो उसके अंदर भी अनइक्वल पल्सेस हो जाएंगे. इसके बाद आपने टेक अ परमिशन अगेन कि मैं आपके यहाँ पे नब्ज़ का मुआयना करने लगा हूँ एंड देन चेक फॉर द रेडियो फेमोरल डिले व्हिच इज सीन इन केस ऑफ अ कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा. सर फेमोरल का लैंडमार्क क्या है? मिड ऑफ द इंगोइनल लिगामेंट. उसके बाद एक कल मैंने नहीं बताया था वेसल वॉल. अब वैसे देखी नहीं जाती. अब वेसल वॉल देखने के लिए ये पल्स आपने फील की, पल्स फील करके आपने पीछे से ब्लॉक कर दें और ये जो अगली फिंगर है ना प्रॉक्सिम इससे ना आपने इसको एम्प्टी कर दिया. पीछे से तो आप कोई खून नहीं आ रहा, बंद कर दिया मैंने. इसके साथ हमने इस पल्स को एम्प्टी कर दिया, वेसल को एम्प्टी कर दिया और ये जो मिडिल फिंगर है इससे अब मैंने इसकी वेसल वॉल जो है इसको फील कर रहा हूँ. अब यहाँ पर पल्स देख रहा हूँ, पीछे से बंद कर दिया है, इससे मैंने एम्प्टी कर दी और ये मिडिल वेसल मिडिल फिंगर से मैं इसकी वेसल वॉल देख रहा हूँ. अगर एथ्रोसिक्लेरोसिस होगा तो ये टेंडन लाइक जो है ना वेसल वॉल जो है वो मिलेगी टेंडन लाइक, वो एथ्रोसिक्लेरोसिस में है, इज़ नॉट अ रिलायबल साइन नाउ. सो देन यू विल से द पल्स इज 70 बीट्स पर मिनट रेगुलर इन रिदम नॉर्मल इन वॉल्यूम देर इज़ नो स्पेशल करेक्टर देर इज़ नो रेडियो रेडियल और रेडियो फेमोरल डिले एंड द कंडीशन ऑफ वेसल वॉल इज़ नॉर्मल. अब आप ये डेमोंस्ट्रेट करो. अब मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जामिन हिज पल्स.